महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। हे गाइस, वी आर गोइंग टू केदारनाथ एंड क्या बताऊं, बस एक्साइटमेंट है। ये हम जा रहे थे केदारनाथ और 12:24 हो गए हैं। ये 12:24 हो गए और ये हम रुक के जेसीबी खुदाई देख रहे हैं। ये 5 मिनट हमने खड़े होकर जेसीबी खुदाई देखे। दो बंदे पेट्रोल डलवाने लग गए और गाने चला रखे हैं। टाइम हो गया, टाइम एक बज के 6 मिनट हो गए। बस हम पहुंच जाएंगे 3। फर्स्ट स्टॉप हम यहाँ पहुंच गए हैं। क्या नाम है जगह का? आदर सत्कार ढाबा। यहाँ बहुत सत्कार करके बताते हैं, कहाँ भी बैठाते हैं भाई सत्कार करके। अच्छा। और अभी टाइम हो रहा है 2:06 हो गए और हम आ गए हैं। बस ये फर्स्ट स्टॉप है हमारा, इसके बाद सीधा हरिद्वार होगा। 654 फर्स्ट स्टॉप ऋषिकेश में, फिर यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट केदारनाथ। के बज गए नहीं, सुबह के बज गए 10:04 हो गए सुबह के, और अभी ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के नीचे ही आए हैं। पहुँचना अब तक केदारनाथ चाहिए। लक्ष्मण झूला है ये ऋषिकेश का, आता 225 किलोमीटर है यहाँ से। पर मन नहीं कर रहा आगे बढ़ने का, इसलिए यहीं बड़े खड़े हैं आधे 1 घंटे हो गए। आराम से जाएंगे धीरे धीरे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही चलाने की, सब थक गए हैं, मज़ा नहीं आ रहा किसी को। देखते हैं क्या करना है, यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं हम अपनी गाड़ी। 2:12 और हम लोग अभी जा रहे हैं श्रीनगर, और इस गाड़ी से जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। श्रीनगर से अब हम पकड़ेंगे कौन सी बस? पकड़ेंगे भाई श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की बस पकड़ेंगे और फिर केदारनाथ। रुद्रप्रयाग आज आपको फोन प्रयाग नहीं जा रहे हैं? रुद्रप्रयाग जा रहे हैं भाई। अच्छा। मिट्टी का कॉल कॉल बॉलिंग बढ़िया। चल हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंच कर रात को 9 बजे हैं अभी, और रुद्रप्रयाग हम पहुंच चुके हैं। रुद्रप्रयाग में हमने यहीं पे रूम ले लिया था, यहीं रुक गए थे। ये रूम था हमारा, ये हमने लिया था 700 रुपीज़ में 3 पर्सन के लिए। यहीं पे रुके थे, हम लोकल बस में जाएंगे केदारनाथ तक। रूम से चेकआउट तो हमने कर लिया, वो यू को कहीं के साथ पहले घर में था अपना रात को। ये वाली बस है, बस नहीं है गाड़ी है, इससे जा रहे हैं हम केदारनाथ से। थोड़ा पहले छोड़ेगी, फिर वहाँ से ट्रैक शुरू करना होगा हमें पैदल पैदल वाला। अभी यहाँ मौसम बड़ा प्यारा, बस 47 किलोमीटर बचा है केदारनाथ, और यहाँ फोटो शूट चल रहा है। सब ग्लेशियर्स दिख रहे हैं यहीं से। ये हमने लिए है गुप्त काशी से कैब, जाएगी सोनप्रयाग से गोरीकुंड, गोरीकुंड से फिर पैदल पैदल केदारनाथ। बस बहुत भयंकर जाम हो रहा है, बहुत भयंकर, एकदम हो गए थे वही निकल। नीचे तक गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, लाइन से ट्रैफिक, पूरे रोड पर ट्रैफिक ट्रैफिक। हम फाइनली इतनी आगे आ गए हैं, आधे घंटे हो गए हम वहाँ पे थे जब 20 का स्पीड लिमिट लगा हुआ है, और अब हम यहाँ पहुँच गए। देखो बड़ा ही जाम हो रहा है भाई यहाँ पे। हम लोगों ने पैदल मार्च शुरू कर दी जाम की वजह से, जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने पैदल मार्च शुरू करी है। अब हम पैदल पैदल निकल गए हैं धूप में, सुबह के 1:30 दोपहर के 1:30 पहुँच जाएंगे पैदल पैदल ही खेलते खेलते। ये व्यू है यहाँ का, सारी गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं, ना गाड़ी ना इधर जा सकती ना उधर जा सकती, बाइक वाले बस जहाँ मर्जी जा सकते हैं। बाइक वालों की मौज है यहाँ पर पूरी। ये आ गया गोरीकुंड मंदिर, यहाँ नीचे कुंड है। यहाँ पुलिस वाला ने मना कर दिया आगे जाने से, कह रहे कि सुबह 3:30 से पहले नहीं जान जाएंगे, किसी को भी रास्ता बंद हो गया, आगे ट्रैफिक बहुत है ऐसा वो कह रहे हैं, भीड़ ज़्यादा है इसलिए। तो अब हम करने वाले हैं एक हरकत, नशे की मार बर्बाद करे सुखी घर परिवार। ये है गोरीकुंड, ये रिवर साइड चल रही है मैगी,
हो रही है, बह रही है पानी, बहरा पानी बहुत हो रही है, हेलीकॉप्टर बार बार आया जा रहा है। ये बंदा चक्कर लगा रहा है, थोड़ी देर बाद आवाज लगाएगा, 10 रुपए सवारी हल्की हुई है भारी। लहरें फुल चल रही है, यहाँ से नदी नदी लग रही है, यहाँ से नाला लग रहा है। ये रास्ता है, ये रास्ता आगे जा रहा है, ये नदी के साथ साथ जाके हम ऊपर जाते हैं। बस पर हमारे में चूल है, हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के झरना देखने जा रहे हैं। ये वाला टेंट है, टेंट भी लगा के आराम से, और अब यहीं पे हम लगाएंगे टेंट, एक बढ़िया सा टेंट लगाएंगे। एकदम टूटा फूटा सा पुल है, ये इतनी गंदगी फैला रखी है लोगों ने यहाँ पे। यहाँ तो लोकल पब्लिक जाती है सिर्फ, कोई टूरिस्ट तो आता भी नहीं। पर ये गलत है, ऐसे नहीं फैलाना चाहिए लोकल बंदों को। नाम टूरिस्ट का लगा देते, टूरिस्ट आते गंदा करके जाते हैं। यहाँ तो कोई टूरिस्ट आता ही नहीं ऊपर तक। ये इतना अच्छा नेचर है यहाँ पे, बस इन्होंने यहाँ गंद फैला रखा है, यहाँ गोबर वोबर फेंक रखा है। वो तो फिर भी नेचुरल है, पर ये जो प्लास्टिक वगैरह पड़ा है ये गलत है। इधर तो जा ही नहीं सकते, स्मेल आ रही है यहाँ पे तो, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने टाइम से हटा ना हो। तू बह रही है यहाँ से, और ये केदारनाथ वालों की भीड़ लगी हुई है, बहुत रश है भाई रोड पे, बहुत रश है ज़्यादा। पर हम खुराफाती लोग हैं, हम ऊपर चढ़ेंगे, पता नहीं। खुराफाती दिमाग और खुराफाती हरकतें कहाँ ले आई है हमें। रोड यहाँ है, नदी के साथ रोड है, हम पहले गलत रोड पर जान मुछ गए, जो ये रोड ये है इस रोड पे। अब इस रोड को भी छोड़ के हम यहाँ से पहाड़ चढ़ के यहाँ आ गए हैं, और यहाँ आके अब टेंट लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं साइड में बढ़िया सी जगह मिल जाए, सीधी जगहों को जहाँ ढलान ना हो। पर यार यहाँ पे इतनी ऊपर भी लोगों ने पता नहीं कैसे आके कूड़ा वड़ा फेंक रखा है, उसमें डालना नहीं, उधर से नहीं डालना ऐसे ना, निकल गया ना। ऐसा कुछ भी होता नहीं कि यहाँ से पानी जाने के बाद यहाँ से निकले तो सही होता है, वो कुछ ऐसा होता है, कितना ही बन जाती है फिर उसमें। यहाँ पे खाली बिल्कुल, यहाँ पे खाली बिल्कुल कुछ खड़े होने की जगह नहीं, जैसे कि पेड़ का सहारा लेके खड़े हो सकते हैं, और यहाँ से कूद के रोड पे जा सकते हैं। एक मिनट जरा कूद के जाता हूँ। अब ये रोड है, वो भी कच्चा रोड है, छोटा सा ही है बस, अगर फिसल गए तो सीधा गंगा मैया में, गंगा मैया में नहीं सरस्वती नदी में, सरस्वती नदी में नहीं पता नहीं कौन सी है, सोमप्रयाग की कोई सी नदी है, उसी में सीधा। टेंट लगाने की कोशिश में हमने कर ली अपनी हालत खराब, रात हो गई, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, और अंदर है धमाके वाली भीड़। यहाँ पे हम ये देखो, यहाँ पे लोग सो रहे हैं, कितने सारे लोग सो रहे हैं ये घाट पे, क्योंकि होटल सारे फुल हैं, कोई सा होटल खाली नहीं है, सब लोग ऐसे ही सो रहे हैं, कोई छत पे कोई कहीं, बस ऐसे ही रह रहे हैं सब। और हमने ये मतलब ये भी वही हैं जो हमें, हमारे को भी जगह नहीं मिली होटल, होटल में जो होटल थे वो बड़े महंगे थे, 5,500 रुपये के दो बंदों के ऐसे मांग रहे थे वो लोग। तो फिर अब हम यहाँ आ गए हैं, और इतनी बढ़िया जगह है, हम जा रुके हुए हैं और देख ही लिया आप लोगों ने। ये रहा हमारा टेंट, इस टेंट के अंदर अब सोएंगे हम ऐसे बढ़िया से रोड पे। भाई सुबह के बज गए हैं 4, और हम लोग उठ गए हैं निकलने के लिए केदारनाथ, बस निकल रहे हैं। अभी श्री केदारनाथ बचा है 14 किलोमीटर, जंगल चट्टी 2 किलोमीटर। बढ़िया मौसम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6 बजे भी, 6 मजेदार मौसम।
फीलिंग ऑसम विद टू अदर्स। यहाँ से केदारनाथ है 12 किलोमीटर और वो उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर, मेरे साथ ही रह गए पीछे। बहुत देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए यहाँ बैठे बैठे, आए नहीं वो। पर यहाँ पे जो फील आ रहा है ना, एकदम बढ़िया मौसम, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, अलग ही मजा यहाँ बैठने का। क्या नज़ारा है, ऊपर से झरना उतर रहा है। ये है रामबाड़ा का हेलीपैड, 20 एम का हेलीपैड, हेलीकॉप्टर उठा ऊपर, ये हेलीपैड नीचे। अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, यहाँ से हेलीकॉप्टर क्यों उड़ान भरता है और चला जाता है, बता कहाँ। ये रामबाड़ा है, ये मेन रामबाड़ा गांव है। 2013 के बाद इसी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, इसी गांव के लोगों को सबसे ज्यादा बिल्डिंग यहीं टूटी थी, बिल्डिंग घर वगैरह झोपड़ी जो भी थे। रामबाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित था 2013 की विनाशकारी बाढ़ से। बाकी यहाँ भी वो भी अच्छा है, ये रामबाड़ा पूरा ये गाँव बसा हुआ था यहाँ पर अच्छे से, अभी पूरा टूट के खाली खाली सा पड़ा है, नदी किनारे पूरा गाँव बसा हुआ था। क्या नज़ारा है, हेलीपैड पर बैठे हुए हैं हम लोग मजे से, ऊपर ये अपनी पहाड़ियाँ दिख रही है, बर्फीली पहाड़ियाँ, फिर ये हम ऐसे नीचे बैठे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हल्का सा 1 इंच भी बंदा इधर हुआ तो सीधा नदी नदी में सामने वाली। यहाँ से 10 किलोमीटर बचा है केदारनाथ, और ये नया रोड आया है एकदम बढ़िया पुल, नीचे इतने प्रेशर में नदी बह रही है, इतना बढ़िया भाव है नदी का। और यहाँ से बर्फ आनी शुरू हो जाती है, बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे, वहाँ ऊपर भी बर्फ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी। ये है मौत का कुआं, हल्का सा पैर फिसला और नदी में बर्फ की शुरुआत हुई, यहाँ से बर्फ आनी शुरू हो गई है। यहाँ से 6 किलोमीटर है केदारनाथ, उस पहाड़ के पास है भाई। ये आ गई एक जगह बहुत ही बढ़िया, यहाँ से मंदिर का पहला दर्शन मिला है, सामने मंदिर आ गया। कैमरे में दिख नहीं रहा सही से, और आंखें बिल्कुल साफ देख पा रही हैं। मंदिर आ गया केदारनाथ मंदिर, बस गाइस यहाँ दर्शन करने आए थे हम, और स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, बड़ा मजा सा आ रहा है एकदम। स्नोफॉल भाई 5:30 हो गए हैं शाम के, और ठंड बढ़ गई है, -2 हो गया है यहाँ पे हिसाब। और ये देखो ये जो हिसाब है, ये पहले इसी वो 2013 में टूटा था, ये बाढ़ दबाई थी, तो हल्की हल्की बर्फ वाली हल्की हल्की बर्फीला मौसम रहा बहुत हल्का हल्का ऊपर। बाकी अभी मंदिर बंद है, अभी मंदिर बंद है, अभी थोड़ी देर बाद खुल जाएगा मंदिर, फिर हम सारे अंदर चले जाएंगे मंदिर में, तब तक यहीं बैठेंगे थोड़ी देर, आग वक्त तापेंगे, फिर कुछ करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और दर्शन करने हैं आज, उसके बाद तो कहीं चलना है। हर हर महादेव। बस आने वाला है मंदिर, बारिश हो रही है बहुत तेज, तिरपाल ओढ़ के जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बोले जय बोले, हर हर महादेव, जय बोले हर हर महादेव। फाइनली पहुंच गए, इतनी मेहनत के बाद इतनी ठंड में -3 डिग्री सेल्सियस हुआ पड़ा है, पहुंच चुके हैं हम, बस थोड़ी सा टाइम बाद बोले अपना दर्शन देगा। बोले 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 ब
माता श्री अर्जुन यह मंदिर बोले बोले कि ये देखो जी येरा केदारनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं इस टाइम बुद्ध दर्शन कराए हम दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं जय बोले कि मतलब बोले के दर्शन करना आम बात नहीं है ऐसे मजाक नहीं है तो भी आके बोले के दर्शन करें बहुत मेहनत बहुत बलिदान देने पड़ते हैं बोले बाबा के दर्शन करने के लिए और हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही बहुत अच्छे से दर्शन हुए जो यहाँ की सिक्योरिटी सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है ज्यादा धक्का भव्य मंदिर का दर्शन करें तो बस उसका क्रेडिट जाता है सिर्फ एक ही चीज को जाता है कि अगर आज हमने 2019 में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करे हैं तो वो क्रेडिट है ये भीमशिला बिकॉज जब 2013 में बाढ़ आई थी यहाँ पे तो भीमशिला ने ही इस मंदिर के सारे ये जो भीमशिला है इसने ही मंदिर में थोड़ा पानी रोका था और इसी की वजह से आज हम दर्शन कर पाए हैं ये बैक साइड है केदारनाथ मंदिर की तो अपने से घर बना के जाते हैं ताकि उनकी मतलब जो मनोकामना है वो पूरी हो और छोटी जगह पे किसी पर्सनल बंदे का घर था यहाँ पे हमें रूम मिल गया है रजाई करते बस अब यहीं पे सोएंगे रात को 9 बज रहे हैं नींद आ रही है बड़ी जबरदस्त वाली आज यहीं पे सोएंगे और सुबह जाएंगे यहाँ से काफी अच्छे लोग हैं यहाँ पे सुबह सुबह निकल गए हैं अपनी लोकेशन पे और क्या सुबह सुबह धूप निकल गई है केदारनाथ भी दिन में भी दो बार कर लिए केदारनाथ मंदिर और अब हम नीचे उतरना शुरू कर रहे हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम नीचे जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि बहुत इजी ट्रैक है आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई जाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई बस वो ठंड हो गई थी रात को बारिश हो गई थी तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई बाकी ठंड अभी भी है आने में कोई दिक्कत नहीं हुई 18 किलोमीटर का ट्रैक है बहुत ईजी ट्रैक है ज़्यादा चढ़ाई नहीं है कोई घोड़े खच्चर वच्चर की जरूरत नहीं पड़ती रास्ते में बहुत नॉर्मल छोटा सा ट्रैक है
हो जाता है। तो प्लीज तो ठीक है फिर चलते हैं। राज के दर्शन की लाइन लगी हुई है, मंदाकिनी नदी और वो वाली है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी उधर से आ रही है, मंदाकिनी इधर से आ रही है, जहाँ पे इन दोनों का संगम हो रहा है। और तो इस मंदाकिनी सरस्वती कुएं में आ गया यहाँ पे संगम पे। ये पंचगंगा का संगम बता रहे हैं इसको जो भैया थे, ये पंचगंगा का संगम है। यहाँ पाँच दिन है और मैं जल भरने आया हूँ यहाँ पे। ये संगम हो रहा है यहाँ पे, संगम में से पानी भर लेना है बड़ा। यहाँ पे लिखा है तार पार करना मना है, तो हम करते हैं हर चीज पार कर देते हैं। पूरा एकदम फुल हो गया। यहाँ से सरस्वती आ रही है, यहाँ से मंदाकिनी आ रही है, यहाँ से मंदाकिनी आ रही है, यहाँ से सरस्वती आ रही है, और यहाँ बीच में संगम हो रहा है। ये संगम है और यहाँ से हमने पानी भर लिया। अच्छा होता अगर हम थोड़ा और आगे से भर पाते, पर आगे जाने का रास्ता नहीं है। मंदिर का नाम है श्री गंगा मंदाकिनी सरस्वती माता मंदिर। तो उतरते टाइम हम पहली बार यहाँ रुके हैं, कुछ खा रहे और मेरे दोस्त पीछे रह गए सारे, मैं ज़्यादा ही। ये अब हम रिवर क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर है गौरीकुंड। गौरीकुंड गौरीकुंड टेम्पल 3 किलोमीटर है। ऐसे चलाए जा रहे हो। जय भैरवनाथ। ये हमारा थर्ड स्टॉप, तीसरी बार हम यहाँ रुके हैं, ऐसे ही रुके हैं बिना थके, खाली बैठने के लिए। तो हम सक्सेसफुली उतर चुके हैं, पूरा ट्रैक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। केदारनाथ का ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया, वहाँ से लाइनें लगी पड़ी हैं, जो भी टैक्सी में जाना चाहता है लाइन में लगाओ और जाओ। और लिफ्ट मिल गई हमें, अब हम कोचिंग स्कूल में जाएंगे। ऐसे जाना पड़ता है इसमें, पर लिफ्ट मज़ेदार है बिल्कुल, मज़ा आ रहा है पूरा। यहाँ पे इस दुकान में मैंने अपनी टोपी छोड़ दी जब हम जा रहे थे, हम सोनप्रयाग पहुँच गए। सोनप्रयाग जाने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा खाना पीना खाया था हमने सबने, यहाँ पे मैंने वाली टोपी छोड़ दी। मैं वापस आया, एक भाई ने पहचान लिया, भाई ने उसको मैंने बोला ये टोपी थी, तो टोपी भाई ने दे दी आपको। हाँ भाई हमने संभाल के रखी थी, जब वापस आओगे तो ले जाओगे आप। तो हम गुप्त काशी पहुँच गए और गुप्त काशी में ही हमने होटल लिया है। होटल क्या है, रूम है छोटा सा, हमने ले लिया है। बहुत नीचे जाके तो फिर नेटवर्क भी नहीं आ रहा इधर, और अब हम रात को 11 बजे कुछ खाने की तलाश में बाहर निकलेंगे, देखते क्या मिलता है खाने को। तेरे बहती गंगा काम मेरा है, जाता है चंगा ना।
हवाई जहाज उड़ान रखो, लाइसेंस मिल गया नहीं, देखो कैसे भग रही गाड़ियाँ, कैसे भगा रहे हैं लोग भाई। बस इन्हें तो गाड़ी हवाई जहाज चलाने का, इन रोडों पर उन्होंने तो हवाई जहाज चलाना शुरू कर दिया। तो सुबह हो गई और हम निकल लिए मंजिल घर की ओर, दिल्ली जा रही हूँ फिर सीधा। ये हमने कर दिया अपना सामान पैक सारा, और बस चलेगी यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी अपनी गाड़ी फिर तो काम होती जैसे बन जाएगी। फाइनली हम पहुंच गए अपनी पार्किंग में। जन्नत किसे कहते हैं हमें अब पता लग रहा है, इसे कहते हैं जन्नत। इतनी खुशी हो रही है, जन्नत मिल गई हो, इतनी खुशी, हद से ज़्यादा खुशी। लोकल ट्रैवल कर करके हालत ख़राब हो गई, बसों में बैठ बैठ के मतलब बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई हालत। फाइनली अपनी HR 26 मिल गई हमें, हमें अपनी होंडा सिटी मिल गई। कितनी अच्छी लग रही है आज ये, इतनी खुशी हो रही है इसके पास पहुंच के। कैसा लग रहा है आपको इसके पास पहुंच के? वी आर वेरी हैप्पी, अपनी गाड़ी हो ना और ये वाला जो एक्सपीरियंस हमने लिया है ना उसने के बाद पूरा। हरकी पौड़ी आ गए हैं, रात को बहुत रात हो गई है, रात के 1 बज रहे हैं। हरकी पौड़ी आ गए ऐसे घूमने मजे मजे में, पर लोग घूम रहे हैं पर दुकानें बंद हो गई, क्या कर सकते हैं, हो गई तो हो गई। मेरे को हरकी पौड़ी आ गई है, मजे आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है हरिद्वार से दिल्ली के बीच में, यहाँ पे हम रुके हैं पहली बार, यहीं रुके हैं, बिल्कुल एकदम फर्स्ट है, वेरी फर्स्ट है हरिद्वार। Gracias.